हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 18 T20 मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा के लिए डेटियस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 2 मार्च को इंडिया टाइम के साथ शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही, तो वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही और 1 मैच जीत के आ रही है। तो सेम जस्ट लाहौर कलंदर के अपोजिट चल रही है क्वेटा ग्लेडिएटर्स। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो लाहौर कलंदर्स आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकता है। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे लाहौर कलंदर्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 30% देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का 177 है, तो वहीं क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 152 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का 241 है, तो वहीं क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 203 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो लाहौर कलंदर्स का 118 है, तो वहीं क्वेटा ग्लेडिएटर्स का 110 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग भी बात करें तो यहाँ पे भी लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो मोस्टली क्लियर रहेगी, 18 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेंगी, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां पे इस पिच पे 180 रन लगने की संभावना है, वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में 150 रन लगने की संभावना है। इस पिच पे अभी तक टोटल 22 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि इस पिच पे जितने भी अभी तक मैच हुए हैं, अधिकतर मैच डिफेंड में जो भी टीम मैच जीती है, तो इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर भी बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है, जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है। तो ये रहे दोनों टीमों का पिच रिपोर्ट। अब आगे बात करते हैं, दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। स्टार्टअप से कुछ फॉर्म में नहीं दिखी, बट पिछले 2-3 मैच से देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉर्म में देख रहे हैं इनके प्लेयर्स भी और बॉलर भी। तो दोनों के बीच में कम्बिनेशन काफ़ी मोस्ट अवेटेड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी टीम क्वेटा के लिए डिटेल्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अगर क्वेटा के लिए डिटेल्स की बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो सकती है और ज़बरदस्त भी होगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम लाहौर कलंदर्स के की प्लेयर की बात करें तो फ़खर जमन, सिकंदर राजा, डेविड वाइस, शाहीन अफरीदी। वहीं दूसरी टीम क्वेटा के लिए डेटियस की प्लेयर की बात करें तो सरफराज अहमद, मार्टिन गुप्टिल, मोहम्मद हाफिज, ऑडियन स्मिथ। ये रहे दोनों टीमों की प्ले जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए लाहौर कलंदर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।